भारत माता की वंदे वंदे। मोना जी आप 40 मिनट तक चलिए, 40 मिनट चलिए आगे बोलिए। इस सांस्कृतिक शोभा यात्रा में अंश ग्रहण कीजिए। पटना में बीजेपी के सभी मोर्चों की शोभा यात्रा शनिवार को निकली, जहां बीजेपी के द्वारा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए रोड शो का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा बुद्ध स्मृति पार्क से लेकर ज्ञान भवन तक निकाली गई। इस शोभा यात्रा का अवलोकन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। शोभा यात्रा के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत कई नेता मौजूद रहे। हजारों कार्यकर्ता शोभा यात्रा में मौजूद हैं और इसमें उनके अध्यक्ष भी मौजूद हैं, अलग अलग मोर्चा के अलग अलग अध्यक्ष भी मौजूद हैं इसमें, और देख सकते हैं किस तरह से हजारों हजारों की संख्या में इसमें मौजूद हैं कार्यकर्ता और नेता सारे मौजूद हैं। और ये शोभा यात्रा बुद्ध स्मृति पार्क से ज्ञान भवन तक जाएगी। आपने देखा कि कल किस तरह से इसकी बैठक बुलाई गई थी और उसका उद्घाटन जेपी नड्डा साहब किए थे। इसमें अब देख सकते हैं कि किस तरह से एक कार्यकर्ता मौजूद है और शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए शोभा यात्रा को किस तरह से सफल बनाया जाए, इसके लिए हजारों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कार्यकर्ता इसमें मौजूद है। एक एक मोर्चा जो है सबसे पहले आगे है महिला मोर्चा, उसके बाद किसान मोर्चा, उसके बाद युवा मोर्चा है, उसके बाद विभिन्न मोर्चा इसमें शामिल हो रहे हैं शोभा यात्रा में इसको सफल बनाने के लिए। देख सकते हैं किस तरह से नाच गान करते हुए ये मोर्चा आगे निकाला, शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। मोर्चा के विभिन्न सदस्य इसमें ढोल नजारे के साथ देख सकते हैं किस तरह से ये मोर्चा निकाला, ये शोभा यात्रा निकाला गया है। देख सकते हैं किस जिस तरह का स्तंभ संसद भवन में बनाया गया था उसी स्तंभ का इस्तेमाल यहाँ भी बना करके उसको इस शोभा यात्रा में शामिल किया गया। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए एम न्यूज जेड न्यूज, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।